तो फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम लोग कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्मूला टैब है हमारे पास, ठीक है जी। इसमें फार्मूला रिलेटेड आपके सारे टूल हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, लुकअप, प्रिफरेंसेस, मैथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, और ज़्यादा जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ होते हैं, मोर फंक्शन, स्टैटिकल इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल फंक्शन से, बट इससे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू, प्लस या फिर माइनस, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल टू से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, प्लस से स्टार्ट कर सकता हूं, या माइनस से कर सकता हूं। बट माइनस से जब भी स्टार्ट करेंगे तो आगे की वैल्यू जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए आपको रिजल्ट जो है न्यूट्रल देगा। तो इसके लिए आप बेटर है कि इक्वल टू और प्लस से ही अपना फॉर्मूला स्टार्ट करें, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर्स की। इसमें तो हमारे पास इसमें ऑपरेटर होते हैं, पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड पावर के लिए कैरेट, ठीक है जी। एंड पावर, बाकी आपको कोई भी प्लस करना है तो ये देखिए जो A8 दिखा रहा है ये रेफरेंस है, एक एड्रेस भी कहते हैं इसको। इसके बीच में जो कैलकुलेशन के लिए ऑपरेटर ये जो लगते हैं साइन प्लस माइनस, इनको ऑपरेटर कहते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने प्लस का साइन दिखाया तो प्लस कर दिया इसने, डिवाइड करना है डिवाइड का साइन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम पावर का यूज करते हैं, दो की पावर चार यहां पे यूज करते हैं कैरेट का, जो शिफ्ट सिक्स के साथ आता है, ये आपको पावर निकाल के दे देगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अलावा हमारे पास और भी ऑपरेटर होते हैं, जो कि होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन से होते हैं हमारे? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू और जो हो गया नॉट इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, इन लॉजिकल फंक्शंस का हम यूज करते हैं। अगर आपने इफ का फॉर्मूला कभी देखा हो तो उसमें क्या होता है कि हम इक्वल टू लगा के इफ का फॉर्मूला लगाया, इसमें पहला पैरामीटर क्या कहता है? लॉजिकल टेस्ट। तो हम ऐसे करते हैं कि क्या 10 ग्रेटर देन है 20 से। तो ये जो हम लॉजिकल टेस्ट करते हैं इसका रिजल्ट जो आता है हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है। तो मैंने क्वेश्चन है मेरा क्या 10 ग्रेटर देन है 20 से, अगर
होता है तो क्या दिखाना है, ग्रेटर, अगर नहीं होता है तो क्या दिखाना है, लेसर। ठीक है जी, तो इस तरह से हम अपना लॉजिकल कंडीशन फिट करते हैं इसके वैल्यूएशन के बेस पे। अब देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आया फॉल्स, तो फॉल्स में कौन सा पॉइंट एक्टिवेट होगा, वैल्यू इफ फॉल्स वाला। ठीक है जी, अगर यहाँ पे ट्रू आता तो वैल्यू इफ ट्रू वाला पॉइंट एक्टिवेट होता। सपोज यहाँ पे बड़ा हो जाता है ये, तो ग्रेटर आ गया। तो जो भी इस लॉजिकल टेस्ट में आता है वैल्यूएशन में ट्रू, तो ये रेफर करेगा इसको वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू आता है तो इसको, तो इस तरह से ये रिजल्ट देगा। तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है बेस्ड है इसके ऊपर। अगर हमें खाली जानना है कि ये बड़ा है या छोटा है, ट्रू फॉल्स का रिजल्ट के लिए हमें इफ का फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस कैलकुलेशन का ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा। अगर मैं इसमें कहता हूँ कि ये नॉट इक्वल टू B9, तो दिखा रहा है ट्रू, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू के में यही होता है कि जो भी बराबर ना हो, तो ये कंडीशन इवेल्युएट करेगा ट्रू में। ठीक है जी, बात करते हैं जैसे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, इसके ट्रू दिखा रहा है। अगर यहाँ 20 होता नॉर्मल तो भी ट्रू दिखाता, बट अगर मान लीजिए यहाँ इक्वल टू ना लगा होता इस जगह, तो ये फॉल्स दिखाता। इसी तरह हमारा लेस देन का साइन है वर्क करता है, लेस देन लगाते हैं कि A9 इज लेस देन B9, वो आएगा फॉल्स। अगर मान लीजिए लेस होता तो आता ट्रू। एंड अब इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इक्वल टू लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, तो ट्रू। ठीक है जी, या तो उसके बराबर हो या तो उससे छोटा हो। तो इस तरह से हम करते हैं अपना लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अलावा एक ऑपरेटर और होता है हमारे पास, जिसको कहते हैं कंकैटिनेट ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर को आप मैथमेटिकल जो है आप यूज कर सकते हैं, नंबर्स वगैरह में, डेट में भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं। लॉजिकल को कर सकते हैं किसी भी जगह, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का आप कहीं भी नंबर टेक्स्ट या डेट में यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, बाकी सब है। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई, इसमें एक और ऑपरेटर होता है इसके अलावा। जैसे नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू के लिए हमारे पास है इक्वल टू का साइन, इक्वल टू, खाली इक्वल टू। ये चेक करता है क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इक्वल टू दिस वन, आएगा फॉल्स। अगर बराबर हो तो ट्रू आएगा। ठीक है, देन कंकैटिनेशन ऑपरेटर की बात करते हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट का ऑपरेटर होता है कंकैटिनेट, ये होता है हमारा ऑपरेटर, ये एंड का साइन। तो जैसे मेरा, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा अलग अलग सेल्स में, मुझे कंबाइंड करना है, तो इक्वल टू दबाऊंगा, इसका रेफरेंस लिया, एंड का ऑपरेटर लगाया और ये रेफरेंस ले लिया। तो आप दिखा रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर ये आ गया आपका। अब मान लीजिए मुझे स्पेस देना है, तो फॉर्मूला में जब भी आपको टेक्स्ट एंटर करना हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करते हैं। ठीक है जी, तो स्पेस डाल के मैंने दे दिया। अब मैंने एक स्पेस दिया है तो मुझे दोबारा कंकैटिनेट का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअलिटी के लिए ये हर एक बार अलग अलग साइन लगेगा। ये कंकैटिनेट होगा इसके साथ, फिर ये कंकैटिनेट होगा इसके साथ। अब देखेंगे स्पेस आ गया इसमें। ठीक है जी, तो ये थे हमारे इसके ऑपरेटर्स। एक्सेल में जो ऑपरेटर चलते हैं वो ये होते हैं। देन बात करते हैं अपना फॉर्मूला के, फर्स्ट लॉजिकल फार्मूला का। जैसा कि मैंने बताया कि लॉजिकल फार्मूला, देखिए इवेल्यूएशन तो यही साइन करते हैं ट्रू फॉल्स में, और उस ट्रू फॉल्स के बेसिस पे जो आपको रिजल्ट देना है तो वो इफ का फॉर्मूला देता है। उसमें क्या होता है कि लॉजिकल टेस्ट लगता है, क्या ये इक्वल टू इसके है, अगर है तो क्या दे देना है, अगर वैल्यू ट्रू आती है तो क्या दे देना है हमें, इक्वल, और नहीं आती है तो क्या देना है, नॉट इक्वल। ठीक है जी, तो यहां से आपका रिजल्ट स्विच हो जाएगा, जब इक्वल होगा इक्वल दिखा देगा।
इसके तीन पैरामीटर होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं, तो जैसे इक्वल टू से स्टार्ट किया मैंने, वी लुक वी एल पूरा, अभी वी लुक पूरा नहीं लिखा, नीचे एक लिस्ट देख रहे हैं, तो जो भी हाईलाइटेड हो आप टैब प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट तक ये सारा आपका खुल जाएगा। ठीक है, जितने ना आप इसके पैरामीटर्स दे सकते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये जो है आपके पैरामीटर सेपरेटेड बाय कॉमा दिखा रहा है कि कॉमा में फर्स्ट पैरामीटर, मान लीजिए कोई भी पैरामीटर मैंने दे दिया, देन ये अगला वाला हाईलाइट हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प होता है आपके रिजल्ट को फाइंड आउट करने में। तो आप ये देखेंगे कि लुकअप वैल्यू टेबल एरे यहां से भी लोकेट कर सकते हैं क्लिक कर करके इनको। ठीक है जी, मान लीजिए इनका मतलब जानना है तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में चले जाइए, इसका जो है आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देगा, फॉर्मूला क्या करता है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देगा, यहाँ पे टेबल एरे क्या कर रहा है, कॉलम इंडेक्स, ये आप देख रहे हैं कि बाकी ये सारे बोल्ड आ रहे हैं, ये हमारा बोल्ड नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, और ऑप्शनल कैसे पहचान होगी, देखिए ऑप्शनल कैसे पहचान होगी, यहां पे जिसके आगे ये बड़े ब्रैकेट लगे होते हैं वो वैल्यूज जो होती हैं ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, मतलब इसको दे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, देन बात करते हैं एंड के बारे में, लॉजिकल में इफ आपको समझ आ गया होगा, बाकी एंड बाकी जो है हमारे पास इसमें एक एंड है, और है, नॉट है, तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेट लॉजिकल फंक्शंस हैं, ये ऑपरेटर्स हैं, ये फंक्शंस। अब देखिए कि ये क्या करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू, कुछ लड़के हैं जो कि इंटरव्यू में अपीयर हुए, ठीक है जी, देन उनका राउंड रखे गए कि तीन राउंड होंगे अलग अलग जजेस के साथ। ठीक है जी, तो इस तरह से रिजल्ट आया कि कौन किस में पास हुआ है, कोई जैसे मान लीजिए ये इसमें पास नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ। अब मेरी कंडीशन क्या है कि जो भी पास कैंडिडेट है, जो इन तीनों में जिसका रिजल्ट यस है वो सिलेक्टेड दिखाया जाए, मतलब जो तीनों राउंड क्लियर करा है उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या कैटेगरी हो सकती है, अगर हम इफ का फॉर्मूला लगाएं तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, जैसे इफ का फॉर्मूला मैंने लगाया, मैंने कहा इक्वल टू क्या B11 इक्वल टू Y है, क्राइटेरिया क्या है मेरा कि तीनों में ट्रू होना चाहिए। ठीक है जी, तीनों में ट्रू चेक करने के लिए पहला लॉजिकल टेस्ट दे दिया, अगर इसमें ट्रू आता है तो मुझे ट्रू पार्ट में बढ़ना पड़ेगा, जब मुझे तीनों ट्रू चाहिए, कि अगर यस हो देन वो नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट, एक और इफ का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, अब अगर यहां पे भी वाई मिल जाता है तो क्या कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, एक और इफ चेक करेगा, क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, अब क्या करना है मेरे को, इसके फॉल्स जब तीनों में वाई वाई करके आ गया ये, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सिलेक्टेड। ठीक है जी, अगर यहां फॉल्स होता, फॉल्स निकलता तो क्या करेंगे, रिजेक्टेड। ठीक है जी, तो ये रिजेक्टेड, तो पहले मैं ये वाला इफ क्लोज करूंगा। ठीक है जी, देन अब देखिए इसमें मेरा ये वाला जो टूल है ये मेरी मदद करेगा कि मैंने तीनों पैरामीटर दिए हैं नहीं दिए, देन इस वाले इफ पे चलते हैं, इसमें मैंने क्या दिया, लॉजिकल टेस्ट दे दिया, वैल्यू इफ ट्रू दे दिया, फॉल्स अवेटेड, फॉल्स का देना है तो कॉमा लगा के मैंने फॉल्स का दे दिया। ठीक है जी, इसका पूरा हो गया, देन आपके पास वैल्यू इफ टू ये हो गया, वैल्यू इफ फॉल्स एंटर करना है तो कॉमा लगा के देन अगेन रिजेक्टेड दे दिया मैंने, तो ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपके सामने बनाया इसमें।
ठीक है जी, ये इसके लिए थोड़ी सी फॉर्मूला के नॉलेज चाहिए और बड़े लंबे चौड़ी लिस्ट लगानी पड़ती है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर उसी जगह पे मैं क्या यूज करता हूँ, एक्चुअली क्या था कि तीनों कंडीशन में यस होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड का फॉर्मूला। एंड में मैं कितनी भी कंडीशंस दे सकता हूँ, क्या ये इक्वल टू वाई है, कॉमा लगा के दूसरी लॉजिकल कंडीशन दे दी, क्या ये इक्वल टू वाई है, कॉमा लगा के तीसरी कंडीशन दे दी, क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, अब ये क्या कर रहा है कि अगर तीनों में यस होगा, तीनों में मतलब अगर तीनों का रिजल्ट ट्रू आता है तो ये ट्रू देगा, एंड का फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करेगा। देख लेते हैं कैसे, यहाँ का ट्रू आया, लॉजिकल टू का भी फॉल्स आ गया, लॉजिकल थ्री में ट्रू आया, तो अगर तीनों में ट्रू निकलता तो ये ट्रू दे देता, अगर एक में भी फॉल्स आ गया तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है जी, इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ देखते हैं ट्रू वाले केस में इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू आ गया। ठीक है जी, तो ये अपना फॉर्मूला चल गया। अब हमें क्या करना है, एक रेफरेंस दे देना है बस इफ वाला, कि इफ यहाँ पे अगर फॉल्स है, अब देखिए लॉजिकल टेस्ट में किस लिए होता है, ट्रू फॉल्स के लिए होता है ना, तो हम डायरेक्ट रेफरेंस से ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है ही, यहाँ पे दे दीजिए। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो क्या देना है, सिलेक्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है जी, तो ये आपका सेम पैटर्न काम कर गया यहाँ पे रिजल्ट। तो यहाँ पे एक आपको लेंदी फॉर्मूला लगाना पड़ा, जबकि यहाँ पे आपका कोई भी कुछ खास नहीं था, मतलब समझने में आसान था। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल टू से पहले तक कॉपी करूंगा और यहाँ पे F11 की जगह मैं ये पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको मैं बेशक से डिलीट कर दूं और यहाँ से ड्रैग कर दूं इसको। ठीक है जी, अब एक और चीज है, मान लीजिए मैं कॉपी करके इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, मूव करना है फॉर्मूला, रिजल्ट का कॉलम ये है, फॉर्मूला मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, मैं कॉपी करके जब मैंने पेस्ट किया तो क्या आ रहा है, मेरे रेफरेंसेस बदल गए, इसको भी लेने लगा, क्योंकि जब हम ड्रैग करते हैं या तो लॉकिंग होनी चाहिए नहीं तो रेफरेंसेस बदल देता है ये। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये तीन रेफरेंस है यस यस वाले, बट जब आप अपने इस डेटा में देखेंगे तो ये इधर को खिसक गए। ठीक है जी, इसके लिए क्या करते हैं, जब भी आपको मूव करना हो फॉर्मूला तो कंट्रोल एक्स के साथ कीजिए, कट करके कीजिए, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो रेफरेंसेस बदल जाएंगे, कट करके करेंगे तो रेफरेंसेस जो हैं आपके वो सही जगह पे रहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया इफ एल्स के थ्रू, और एक एंड के थ्रू डायरेक्टली, तो ये आसान है। एंड की प्रॉपर्टी क्या है कि जब सब में ट्रू हो तो ही ट्रू रिटर्न करता है। इसी की तरह से हमारे पास एक है और का फॉर्मूला, अब मान लीजिए यहां पे हम करते हैं कि कोई हमने बैंक अकाउंट खोलना है, तो हमने कहा कि इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। ठीक है जी, ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम नहीं होनी चाहिए, एक तो चाहिए ही चाहिए, इनका बैंक अकाउंट खोलना है, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है और की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो वो ट्रू दे देगा। तो मैं इफ का फॉर्मूला अगर मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ यहाँ पे, बट चलिए पहले और का फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो और का फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही कंडीशन लग जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या इक्वल टू वाई है, क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, तो और का फॉर्मूला ट्रू तब देगा जब उसे एक भी ट्रू अंदर मिल जाएगा। देखिए यहां पे है, अगर ये चेक करें तो लॉजिकल वन,
अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो रहा है, तो क्लिक करके कैलकुलेट करने के लिए क्या दबा रहा हूँ, F9 दबा रहा हूँ, कीबोर्ड से F9 दबा रहा हूँ तो कैलकुलेटेड रिजल्ट दिखाता है। बट इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, अगर आप एंटर प्रेस करके बाहर आएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू डायरेक्ट कन्वर्ट ही रहेगी, इसका लिंक इससे नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि वो जो ऐसे ग्रीन लाइन सी, ये जो ब्लू लाइन सी यहाँ पे है वो यहाँ नहीं, तो ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू यहाँ से चेंज हो गई तो ये इसको चेंज नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब भी बाहर आए अपने फॉर्मूला से, आप खाली चेक करने के लिए उसको देखें, फॉर्मूला से जब भी बाहर आए एस्केप करके बाहर आए तो सही रहेगा आपका। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, मैंने कहा यहाँ F9 F9 देन F9, तो हम देख रहे हैं कि तीनों में से दो में ट्रू है, एक में फॉल्स है। तो क्या मतलब, इसमें से एक में भी अगर ट्रू होता तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए फॉल्स इस केस में रिटर्न करता है जहां पे तीनों में से फॉल्स मिल जाता है, ठीक है जी, तब जाके ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है जी, अब इसे इफ की कंडीशन के साथ कंबाइंड करना है, इफ की कंडीशन लगाई मैंने और ये कहेंगे इसमें ओके, और अगर फॉल्स आता है तो नॉट ओके, तो ये लग गया मेरा। ठीक है जी, अब इसको क्या करूंगा, इक्वल टू से पहले तक कॉपी कर लूंगा, और जहां ये रेफरेंस है E19, तो E19 जहां है वहां मुझे ये फॉर्मूला पेस्ट करना है। ठीक है जी, तो अब ये फॉर्मूला इससे लिंक्ड नहीं रहा, देन कट करके यहाँ डाल दिया। ठीक है जी, अब देखिए यही चीज अगर मैं इफ के फॉर्मूले के थ्रू लगाना चाहूं तो क्या होगा। इफ का फॉर्मूला मैंने लगाया, मैंने कहा यहाँ पे चेक करो क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, अब इसमें मैटर नहीं करता कि कहीं वाई हो या ना हो, नो भी हो सकता है। तो अगर यहाँ वाई हो गया तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया, हमें तो एक ही चाहिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं ओके। ठीक है जी, बट नॉट ओके करने से पहले बाकी दो कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी, तो हमें इसमें फॉल्स के उसमें काम करेंगे, इफ ये इक्वल टू वाई है कि नहीं। अगर यहाँ वाई है, मिल ही गया तो हम ओके कर सकते हैं, और नहीं मिला तो फिर से इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि तो लास्ट वाला अभी रहता है। हमने ये चेक कर लिया क्या ये इक्वल टू वाई है, तो अब मिल गया है तो क्या करेंगे, ओके, अदरवाइज कर देंगे नॉट ओके। तीनों को चेक करके देख लिया, अगर तीनों में नहीं मिलता तब एट लास्ट उसने जाके नॉट ओके दे दिया। ठीक है जी, अच्छा एक फॉल्स है यानी कि कहीं एरर है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, इफ के फॉर्मूला में यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, देन आपका सेकंड फॉर्मूला चेक करूंगा, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स में, देन आपका अगला फॉर्मूला चेक करूंगा, ये वाला यहाँ ठीक है, यहाँ यहाँ गड़बड़ हो रखी है। ठीक है जी, क्योंकि ओके में यहाँ पे कॉमा मैंने पहले दे दिया इसलिए एरर दे रहा है, तो ये यहाँ अब ठीक है। ठीक है, ये फिर फॉर्मूला ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो ये आपका हो गया इफ के थ्रू ये फॉर्मूला, और हो गया और के थ्रू ये फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखेंगे और के थ्रू ये लगाना बहुत इजी रहता है, तीनों कंडीशन एक साथ दे दी आपने, जो भी एक ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू के बेस पे ये आपको रिजल्ट ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हमने एंड सीखा और सीखा, देन हम बात करेंगे इन दोनों की कहाँ जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है जी, मान लीजिए मुझे कंडीशन सेम है और दो डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, एंड और को कंबाइंड करता हूं मैं,
एक और डॉक्यूमेंट मैं ये कह देता हूं कि ये मेरा जो है ये कंपलसरी है, पैन कार्ड जो है कंपलसरी है, और इन दोनों में से कोई एक चल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक चल जाएगा, तो चॉइस आ गई। तो इसके लिए हम कौन सा लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे चॉइस के लिए और फॉर्मूला। ठीक है जी, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए अगर दो में से चॉइस होती तो मैं और लगा देता, पर यहाँ पे हम नॉर्मल कंडीशन चेक करेंगे किसके अंदर। अब इसके बीच और इसके बीच, ठीक है जी, अब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे एंड के फॉर्मूला के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि और को फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करे और इसकी कंडीशन ट्रू रिटर्न करे, क्योंकि ये कंपलसरी है। देखिए बनेगा कैसे, है पहले हमें चॉइस वाला चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा दोनों में से एक होना चाहिए, तो और के अंदर कंडीशन लगा दी, क्या ये इक्वल टू वाई है या फिर क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, चॉइस वाला काम यहाँ हो गया। देन हम इसको सिंपली चेक करेंगे, क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, दोनों जगह आ गया, इसमें से चॉइस आ गई और इसमें ये डायरेक्टली चेक हो गया। अब हमें क्या मेंटेन कर रहा है, दोनों जगह ट्रू मेंटेन करना है, तो हम क्या देंगे, एक एंड का फॉर्मूला देंगे। एंड के फॉर्मूले के अंदर एक यहां से ट्रू ले लेंगे और एक यहां से ट्रू ले लेंगे। ठीक है जी, अब इन दोनों में अगर ट्रू होगा तो ये एंड का फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इसकी लिंकिंग हटाते हैं और एक जगह करते हैं, तो जहां और का फॉर्मूला है, कौन सा रेफरेंस है, E28। तो इसमें देखते हैं E28 कहाँ यूज हुआ, यहाँ पे, तो पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट चाहिए F28 में, F28 में मैंने सिंपल ये दी थी इक्वल टू से पहले, और F28 में इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये पूरी कंडीशन बन गई मेरी। देन मैं कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब मुझे। जब मैं ड्रैग करूंगा, देखिए अगर यहां मान लीजिए होता भी और यहां नहीं है तो ये फॉल्स ही दिखाएगा। ठीक है जी, तो एक कंपलसरी कंडीशन बन गई मेरी और दोनों में से, इन दोनों में से चॉइस हो गई। अब मुझे इफ का यूज करना है, वही सिंपल वाला तरीका, मेरा इफ का फॉर्मूला लगाया और इसके बेस पे कर दिया या ओके और नॉट ओके। ठीक है, ये लगा दिया मैंने। क्या करना है, यहां से ये कॉपी करना है पूरा फॉर्मूला इक्वल टू से पहले, और जहां E28 का रेफरेंस कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको मैंने कॉपी किया, कट किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, एंड का फॉर्मूला और का फॉर्मूला, यहाँ पे इफ में क्या हुआ, लॉजिकल टेस्ट ये बन गया, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है जी, तो इस तरह से आप एंड और को हमने यहाँ पे कंबाइंड कर दिया। तो अपने हिसाब से जैसी मर्जी वैसी कंडीशन बना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको खाली इफ के थ्रू बनाना पड़ता तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। अभी ये वाकई में दिमाग खराब करने वाला चीज है। पहले हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वल टू वाई है, इफ के अंदर कर लिया हमने चेक। देन अब क्या करना है, इनमें से चॉइस है तो मैं अगर पहली जगह मिल जाता है इसे, पहली जगह अगर मिल जाता है इसे यस, तो मुझे कंपलसरी वाला चेक करना है कि पैन कार्ड में वाई है क्या। तो यहाँ पे एक और इफ कंडीशन दूंगा और इसके यहाँ पे डायरेक्ट चेक करा दूंगा, क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, देन क्या चेक करना है, अब इसके इफ में मुझे ये डालना होगा कि अगर ये भी वाई है तो यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है जी, अगर यहाँ वाई नहीं है तो नॉट ओके। तो एक कंडीशन तो ये हो गई ये मेरी। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, लॉजिकल टेस्ट किया, ये वाई से चेक किया पहला वाला,
और फिर देखा ट्रू में, ट्रू अगर वहां वाई था तो यहाँ घुस गए हम। अगर मान लीजिए वहां नो होता तो क्या करना होता हमें, इसके फॉल्स वाले पार्ट में वो प्रोग्राम करना पड़ेगा कि इफ ये इक्वल टू वाई है देन क्या करना है, तो यही वाला फॉर्मूला पूरा हमें चेक करना है कि क्या चेक करे कि इसमें वाई है कि नहीं। ठीक है जी, तो है तो ओके, नहीं तो नॉट ओके। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर वाई ना होता, क्योंकि ये उस कंडीशन में जाता जहाँ इस पे नो होता, तो यहाँ पे अगर वाई ना होता तो ये वैसे ही नॉट ओके हो गया। ठीक है जी, तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है जी, तो फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई। ठीक है, मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मैं लॉजिक्स को जल्दी समझ जाता हूँ, बट इसको आप पहली बार में नहीं लगा सकते। अगर आपको मैंने जब और का फॉर्मूला बताया, एंड और का, इनके जरिए बड़ी बड़ी कंडीशंस आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बात थी तीन चार, तीन कंडीशन के केवल। कई कई ऐसी जगह आएंगी जहाँ आपको 10 कंडीशन, 12 कंडीशन, 15 कंडीशन और हो सकता है उससे भी ज़्यादा लगानी पड़े। तो उसमें दिमाग घुमाने से अच्छा है कि इसका यूज़ करें और फॉर्मूला हमेशा तोड़ के लगाएं। जैसे एक कैलकुलेशन यहाँ कर दी, एक यहाँ कर ली, एक यहाँ कर ली, तो उनको बाद में धीरे धीरे करके, जैसे मैंने कंबाइंड करना बताया आपको, वैसे कंबाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाला, तो आपका फॉर्मूला सही से वर्क कर रहा है नहीं आपको श्योर होगा, और आपका मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ेगी उसमें। देन बात करते हैं इसके अलावा एंड और के बारे में, मैंने बता दिया। अब एक और फार्मूला जो हम यूज करते हैं या नहीं भी करते, वह है नॉट का फार्मूला। तो कहीं आपका ट्रू आ रहा है, कहीं आपका फॉल्स आ रहा है, तो वो क्या करता है, सिंपल सा इतना जान लीजिए कि अगर मैं नॉट में के फॉर्मूले में ट्रू सप्लाई करता हूँ तो ये फॉल्स कर देता है, रिवर्स कर देता है। अगर मेरा फॉल्स है तो उसको कर देगा ट्रू। नॉट का फॉर्मूला हमेशा रिजल्ट को पलट देगा। इसके अंदर आप लॉजिकल कंडीशन भी डाल सकते हैं कि क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, ये इक्वल टू वाई है तो क्या ये कि रिटर्न करेगा, यहाँ पे वाई है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, पर ये फॉल्स में उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो इस जगह हम नॉट का यूज करते हैं। देन आपके पास इसके अंदर एक फॉर्मूला है इफ एरर। इफ एरर का आप कहें कि यूज जो है इफ कंडीशन की ही तरह है, पर इसका हम बहुत अच्छा यूज करते हैं इफ एरर का। मान लीजिए कि कहीं भी कोई एरर आती है, या वी लुकअप लगाया, वी लुकअप में जनरली इस टाइप की एरर आती है, यहाँ पे कहीं पे आप डिवाइड कर दें जीरो से। ठीक है जी, कोई भी फॉर्मूला लगाया इस तरह की एरर दे रहा है। ठीक है जी, तो एरर की जगह पे क्या देना है, इफ एरर। ठीक है जी, इसमें दो पैरामीटर है, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। अगर आपकी सिलेक्ट की हुई वैल्यू में एरर है तो उसकी जगह क्या देना है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं या कुछ ना देने के लिए ब्लैंक चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जहाँ एरर है वहाँ एरर। ठीक है जी, इस पे कोई दूसरा पैरामीटर ही नहीं है, ये सिर्फ एरर में ही वर्क करता है। मान लीजिए जैसे मैंने डिवीजन का प्रोग्राम बनाया कोई, यहाँ पे मैंने बनाया एक फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा डिवाइड का, यहाँ से हमें पता पड़ेगा डिवाइड करना है, और ये सारी वैल्यू जो है फॉर्मूले से जनरेट होनी है। तो कहीं जीरो है। ठीक है जी, कहीं मान लीजिए जीरो है, ये कभी भी वैल्यू चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे ब्लैंक ही दिखाना चाहिए। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला लगाया है इसको एनकैप्सुलेट कर देना है इफ एरर के अंदर। ठीक है जी, देन वैल्यू इफ एरर में मैंने क्या देना है, दो बार कोटेशन मार्क देना है मैंने, क्योंकि
डबल इन्वर्टेड कॉमास वाला, बस उसमें क्या होगा कि जब मैं उसे ड्रैग करूंगा तो जहां भी एरर होगी वहां एरर नहीं दिखाएगा, एरर की जगह ब्लैंक दिखाएगा। यहाँ अगर वैल्यू आ जाती है तो ठीक है, और नहीं आती तो ये आपको एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, इफ एरर का इसलिए यूज करते हैं। बाकी इसमें दो फॉर्मूले और हैं जिनका कोई यूज नहीं, ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कराने के लिए आपके पास फॉर्मूले हैं। आप ट्रू लिखते हैं, ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है जी, कोई इनका खास यूज नहीं है। वैसे भी ट्रू लिखे तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो सर आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से काफी हो गया इसमें। बाकी मैं आपको ये फाइल भी मेल कर दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसके।